हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर टू भारत इज माय होम। रुकिएगा, भारत इज माय होम का मस्ट एक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए, जैसे जैसे आपके एग्जाम नजदीक आता है ना, ठीक है ना, चाहे किसी का भी हो, ठीक है, थोड़ा सा मन में डर पनपने लगता है, बढ़ने लगता है। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत इज माय होम से तो उस डर को कैसे आखिर दूर करेंगे। तो आपको क्या करना है, ज्यादा तो हम ये नहीं कहेंगे ज्यादा एग्जाम के बारे में सोचिए, आप रिवीजन करते रहिए और नए चीजों को छोड़कर आई थिंक मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी आप उन्हीं चीजों को पढ़िए जो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्योंकि भाई आपका एग्जामिनेशन जो है ऐसा नहीं कि 100 मार्क्स का है, मतलब 200 मार्क्स में से 100 आपको लिखना है, तो एग्जाम तो इजी है। तो थोड़ा सा वर्क को स्मार्टली यदि आप करते हैं देन यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है ना। चलिए, तो भारत इज माय होम सबसे पहला जो आता है किनके द्वारा लिखा हुआ है जी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये के स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा बात की भारत इज माय होम क्या है, तो ये स्पीच है, क्या है जी, ये स्पीच है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, इतना गारंटी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो लाइफ टाइम था ना 1969 था, ठीक है ना, यानी इनका लाइफ टाइम कितने इयर्स का था जी, 72 इयर्स का, ठीक है। भारत इज माय होम मतलब ये अपना भारत को घर बताते हैं, बिकॉज वी नो ही वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी पूछ सकता है, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, आपको ये भी ध्यान रखना है। इनसे पहले राधा कृष्णन और सबसे पहले प्रेसिडेंट हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। चलिए, और इससे पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्लियर ही हैड वर्कड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, वाह, गवर्नर ऑफ बिहार, यानी राष्ट्रपति से पहले ना ये बिहार के क्या थे जी, गवर्नर थे। तो ये पूछ सकता है अर्लियर ही हैड वर्कड एज द गवर्नर, ये भी पूछ सकता है गवर्नर, ये ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है बिहार, ठीक है ना। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ना इस स्पीच को 1967 में दिए थे, व्हेन ही बिकेम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967। तो यहां से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, एक जो ऑब्जेक्टिव जो हमेशा पूछा जाता है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज ए लीव एंड इट इज ए लीव एंड डायनेमिक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, मतलब जो पास्ट है हमारा वो खत्म नहीं हुआ है, स्टैटिक भी नहीं है, ये अभी ये लीव है और डायनेमिक है, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से चैप्टर से है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका भारत इज माय होम से है, भारत इज माय होम से। ये दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा इसको हम मिटा रहे हैं, देखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना, बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर, या द पीपुल ऑफ इंडिया हैव चूजन हिम द प्रेसिडेंट फॉर, तो यहां ऑप्शन देगा 4 इयर्स 5 इयर्स 2 इयर, नॉट फॉर ए सर्टेन टाइम, याद रखना है फॉर सर्टेन टाइम, एक सर्टेन टाइम के लिए इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, एक निश्चित समय के लिए, ठीक है ना। अच्छा, एक जगह हम लोग कहां कंफ्यूज कर जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिएगा
जब क्वेश्चन पूछा जाता है पता है क्या, देखिएगा, महात्मा गांधी दैट पावर शुड बी यूज्ड, पावर थोड़ा सा फास्ट लिख रहे हैं क्योंकि जितना हम कम समय में हम सोचते हैं अच्छे कंटेंट को दे सके, ज्यादा हम टाइम पास नहीं करेंगे। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पज, ओनली फॉर मोरल पर्पज, ये कौन से चैप्टर का है जी? तो हम लोग पता है जैसे ही गांधी जी का नाम सुनते हैं ना, मन में हमारा आने लगता है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे हैं ना कि महात्मा गांधी जिन्होंने अपना पावर किसके लिए यूज किया, मोरल पर्पज के लिए, ये है भारत इज माई होम से, भारत इज माई होम, ठीक है ना, भारत इज माई होम से लिया हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि कौन से चैप्टर से लिया हुआ है जी, भारत इज माई होम, और इससे पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा आपको, ठीक है ना। हाँ, एक क्वेश्चन तो हम छोड़ ही रहे थे जी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अरे भैया, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, एजुकेशन है जो हमारा ना वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। प्राइम इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब ना प्रथम क्या है जी, हमारा उपकरण है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसमें दो टाइप के वर्ग के बारे में बात करते हैं, एज आई सीट कहते हैं दो टाइप के वर्ग, एक तो इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं जी, और एक हमारा कौन सा बात करते हैं बाबू लोग, सोशल के बारे में, इंडिविजुअल कहिए या वर्क फॉर वन सेल्फ कहिए, ठीक है ना, ये सोशल, ठीक है, और ये बताते हैं कि आई हैव, ठीक है ना, जस्ट टेकन द ओथ, ठीक है, फिर टोटल डेडिकेशन, ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, ये भी ध्यान रखना है। तो इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछ सकता है, इट मींस नहीं पूछ सकता है, ओके आपको इतना कंफर्म रहना चाहिए कि अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो यही, फिर पूछ सकता है भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, कौन से चैप्टर का, तो यू कैन गिव द आंसर वेरी इजिली, उसमें कुछ है नहीं, बहुत ही आसानी से दे दीजिएगा आंसर, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इजी है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा पोएट्री सेक्शन से, कौन सा चैप्टर जी, तो चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, चैप्टर का नाम है, ठीक है, आइए थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं, इनके जन्म के बारे में, 1572 में इनका जन्म, 1631 तक इनका लाइफ टाइम, ठीक है, अच्छा जी, पोएट जॉन डन, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये कहां से थे, ये कहां से हैं जी, तो ये ब्रिटिश या इंग्लैंड, जो भी आपको ऑप्शन में देते, ब्रिटिश देते, इंग्लैंड देते, वॉट एवर, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है कि कौन कहां के थे, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, लव पोएम है, कैसा पोएम है, तो लव पोएम, लव या लिरिक जो भी आपको दे दे, इन्हें कैसा पोएट कहा जाता है, तो मेटाफिजिकल, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, मेटाफिजिकल, क्योंकि ये दो से तीन बार, हु इज कॉल्ड द मेटाफिजिकल पोएट, और जॉन डन इज ब्लैंक पोएट, द मेटाफिजिकल, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, इनके बिलव्ड का नाम एने मौर्य था, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन डन्स बिलव्ड वाइफ, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, आप जब ये चैप्टर पढ़े होंगे तो इंट्रोडक्शन से इन्होंने ये भी पूछ सकता है कि कितने साल के एज में इन्होंने ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया था, ये कमेंट करके बताना है आपको, हम देखना चाहते हैं कि आप कितने फुल वीडियो के स्टूडेंट देख रहे हैं, ये कितने एज में, ठीक है ना, ऑर्डिनेशन, ठीक है, जो चर्च वाला ऑर्डिनेशन था, कितने ईयर में एक्सेप्ट किए थे, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट स्टेंजा है, उससे क्वेश्चन
मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर द वियरीनेस, वियरीनेस वाला पूछ सकता है या वियरीनेस का साइनो पूछ सकता है। तो याद रखना वियरीनेस मीन्स टायर्ड। अच्छा अपना कंपैरिजन इसमें ध्यान रखिएगा, ये सन से करते हैं, किससे करते हैं कंपैरिजन जी, सन से, ठीक है ना, कंपैरिजन किससे करते हैं सन से, ठीक है, सूर्य से अपना कंपैरिजन करते हैं अपने बिलव्ड को कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए, ठीक है ना। तो इतना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और जितने भी बीच वाला क्वेश्चन है आई होप कि सबको याद ही होना चाहिए कि इनकी जो बिलव्ड थी साई थी, जब साई करती है तो इनका जो सोल होता है इनसे बाहर जाने लगता है, मतलब जब साई करती है, जब ये रोती है, क्राई करती है, वीप करती है तो इनका खून सूखने लगता है, इस टाइप से, ठीक है ना। हाँ एक और याद रखना है कि इस चैप्टर में ना ये मैंस पावर वेरी फीबल बताते हैं, फीबल, फीबल मतलब जानते हैं वेरी वीक, फीबल का मतलब वेरी वीक, ठीक है। आई होप कि इतना आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपके लिए। देखिए पूरा एफर्ट जारी है, जितना हमारे में दम है, जितना हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हम अपने सारे कैपेबिलिटी को आपके हवाले कर रहे हैं, जितना हो सकता है हम आपके लिए कर रहे हैं।